हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक मीडिया सॉल्यूशन में। और हम आज बात करेंगे कि कैसे फोटोशॉप पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो को बनाते हैं, कैसे उसमें बॉर्डर लगाते हैं और कैसे उसको प्रिंट करते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम फोटोशॉप को ऑन करेंगे। ये हमारा फोटोशॉप 7 है। अब इसमें फाइल को ऐड करने के लिए जिस फ़ोटो को हमें बनाना है कंट्रोल वो दबाएँगे तो डेस्कटॉप या फिर जहाँ से भी आप फोटो वहाँ से ले सकते हैं। मेरा डेस्कटॉप है तो मैं डेस्कटॉप से लेता हूँ और ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की और इसे ओपन किया। ये फ़ोटो ओपन हो गई। जैसे ये फ़ोटो ओपन ही, अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी लाइट वाइट देखेंगे। इसमें लाइट कंट्रोल एम दबाएंगे तो लाइट बढ़ाने के लिए इसका ये आ जाएगा। हम थोड़ी सी लाइट बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये फ़ोटो बनी बनाई है तो इसमें सब कुछ सही है, फिर भी हम लाइट बढ़ा लेते हैं बस आपको बताने के लिए। अब इसका कलर बैलेंस चेक करने के लिए कंट्रोल बी दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। फिर इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं जैसा आपको लगे। इसमें ग्रीन ज़्यादा है तो ग्रीन कम कर देंगे या फिर जो सही है आपको जैसा लगे। ये फ़ोटो है और अब हमें इसे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो में काटनी है तो क्या करेंगे कि हम इसे क्रॉप टूल पे लेके जाएंगे। तो क्रॉप टूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है क्रॉप टूल। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कीबोर्ड से सी दबाते हैं तो ये यहाँ पे चला जाएगा। जैसे माउस में रहा है, मैंने सी दबाया, यहाँ पर चला गया। और अब पासपोर्ट साइज़ की जो होती है वो साइज़ क्या होती है कि 1.1 होता है और इसका हाइट होता है 1.35 और रेगुलेशन आपको हमेशा 300 ही रखनी है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से माउस का कर्सर खींचेंगे राइट वाला और इस फ़ोटो को काट लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं रखनी क्योंकि ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, बस इसमें फेस दिखे और कुछ दिखे ना तो चलेगा। अब ये हो गया, हम इसे इंटर मार देंगे। ये फ़ोटो कट गई, फ़ोटो में सब कुछ सही है। थोड़ा सा इसमें इमेज में जाके हम इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके हम ऑटो पे चले जाएंगे तो ये फ़ोटो जो था वैसा कर देगा। फिर चले जाते हैं और इसमें एडजस्टमेंट में जाके हम नीचे सबसे नीचे वाले टूल्स पे आके प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए कई सारी फ़ोटोज़ आपको दिख रही होंगी, इसमें एक जो भी आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करेंगे वो हो जाएगा। हम इसे लाइटर पे क्लिक करते हैं और लाइट इसकी बढ़ा के ओके करते हैं। ये फ़ोटो हो गई। अब दोस्तों इस फोटो में क्या करना है कि हमें बैकग्राउंड नहीं चेंज करनी है। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करनी है तो पेंट टूल का यूज़ करेंगे आप। और पेंट टूल का यूज़ क्या करेंगे कि ऐसे करके जितने में आप लेके जाएंगे और कंट्रोल इंटर दबाएंगे फिर डिलीट दबाएंगे तो वहाँ का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। हमें चेंज नहीं करनी है अभी, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कैसे चेंज करना है बस। तो इसको कंट्रोल जेड दबा के हम वापस आ जाएंगे। अब हमें क्या है कि फ़ोटो के किनारे किनारे बॉर्डर रखनी है ताकि पता चले कि इतना फ़ोटो है और इतने में इसका बैकग्राउंड है। अब इस पर हम जाते हैं, ये जो टूल दिख रहा है आपको, इसको अगर इस टूल का प्रयोग करना है तो आप डायरेक्ट एम दबा के भी जा सकते हैं। मैंने एम दबाई और ये आ गया। हम इस फ़ोटो पर यहाँ से ऐसे नीचे खींचेंगे और माउस का कर्सर बीच में लाएंगे और माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे। जैसे ही राइट वाला बटन दबाएंगे सबसे नीचे यहाँ देखिए स्टॉक दिख रहा होगा, स्टॉक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टॉक पे क्लिक करेंगे ये आ गया। तो यहाँ पे कलर हम ब्लैक कुछ भी ले सकते हैं, तो हम अभी ब्लैक लेते हैं। ब्लैक को हमने रखा और 3xp आप इसको कितना भी दे सकते हैं, 10xp, 5xp, 2xp, 1xp, मैं 3 देता हूँ क्योंकि 3 सही है। अभी देखिए बगल में इसके बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा काला काला बॉर्डर। अब हमें इसे प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल एन दबाएंगे और एक पेज लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको जो लेना हो आप 4, 6, 5, 7, 8, 10, मैं यहाँ पे A4 साइज़ का फ़ोटो लेता हूँ और ओके करता हूँ। ये पेज A4 साइज़ का है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टूल दिख रहा है आपको इसे B दबा के आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आएंगे और इस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, फिर माउस के राइट बटन से इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर रखेंगे फ़ोटो को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, आपको दिखे अच्छा। यहाँ पर इसको एक तरफ ले जा करके क्या करेंगे कि हम अल्ट दबा के इसको फ़ोटो के खींचेंगे। तुरंत अल्ट दबाएंगे और माउस से इसको साइड करेंगे दबा के। अल्ट दबा के हमने खींचा, ये डबल हो गई, सबसे बढ़िया टूल है। फिर हमने अल्ट दबा के खींचा, ये साइड में आ गई। फिर हमने अल्ट दबा के खींचा, ये फ़ोटो आ गई। इसी तरह हमें अल्ट दबा के करनी है, अल्ट दबाते जाएंगे ये डबल होती जाएगी। अब ये हो गई, ये 6 फ़ोटो दिख रही होगी दोस्तों आपको। फिर इसे क्या करना है, सबको एक लेयर में लाना है। तो इसके लिए हम कंट्रोल ई जितनी फ़ोटो होंगी उनसे एक बार कम दबानी है। तो 6 फ़ोटो हैं, 5 बार दबाएंगे। कंट्रोल 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बार दबाई, ये हो गया। अब इसको सही लेवल पे ले आते हैं। अब क्या करते हैं, फिर अल्ट दबा के इसको भर लेते हैं पूरा। फिर अल्ट दबा के इसको भर लेंगे, फिर अल्ट दबा के पूरा पेज इसका हम भर देंगे दबाने शायद। इसी तरह से हम अल्ट दबा के भर लेंगे, जैसे ही दबाते जाएंगे ये पेज पूरा भरता जाएगा। मैंने A4 साइज़ का फ़ोटो लिया है, पेज लिया, आप चाहे जितना भी ले सकते हैं 5, 7, सबका यही प्रोसेस होगा। तो चलिए अब हमें इस फ़ोटो को प्रिंट करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल P को दबाएंगे कीबोर्ड से।
तो देखिए दोस्तों, ये प्रिंट का सेटअप है और ये मेरी फ़ोटो ऊपर से कट रही है, काफ़ी सारी फोटोज़ कट रही हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है स्केल टू फिट मीडिया, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये फ़ोटो पूरे सेंटर में आ जाएगी, ये कटेगी नहीं बिल्कुल, ये एकदम परफेक्ट फ़ोटो को प्रिंट करेगी। अब हम इसे प्रिंट पर जाएंगे और जो आपका प्रिंटर है आप उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो फ़ोटो प्रिंट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।